हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी अमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफटॉप पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो उसे बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। न्यू अपडेट्स आई हैं, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई हैं, कुछ न्यू प्लांट्स आए हैं, बट सबसे पहला वीडियो जो मैं बनाऊँगा इस नवम्बर मंथ में, ओवरव्यू नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं अपना एक ये लेमन प्लांट जो है, आपको इसके पहले भी जब इसकी फ्लावरिंग आई थी तब मैं इसको आपको वीडियो बना के दिखाया था इस पर कैसी फ्लावरिंग आ रही है। इसकी जब फ्लावरिंग आते टाइम, जब उस टाइम पीरियड था फ्लावरिंग का, तो उस टाइम क्या करना था, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी थी, पिछली जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो दोबारा नहीं रिपीट करनी थी, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो अब इसमें ऑलमोस्ट फ्रूटिंग आ चुकी है एंड फिर से फ्लावरिंग आ रही है, तो इसमें कई स्टेज में एक्चुअली दोस्तों की फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग चलती रहती है, जैसे वन बाय वन वन, एक मिनट होल्ड ऑन। हाँ, तो जैसे जो मैं अब आपको फ्रूट दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये फ्रूट ऑलमोस्ट दो ढाई महीने पहले इस पर फ्रूटिंग आई थी, ये वो वाला फ्रूट है। एंड उसके बाद एक छोटा सा फ्रूट यहाँ पे है, तो ये उसके बाद फिर नई फ्लावरिंग आई थी वो है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो फ्रूट दिख रहे हैं वो है, उसके नीचे छोटे और फ्रूट्स हैं। एंड यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग फिर से फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इस ये कुछ कुछ महीने के बाद, एक डेढ़ महीने गैप में बाद इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होती रहती है। ये सीज़न है इसका दोस्तों, साल में दो बार ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार पहले आप इसका ओवरव्यू देख लीजिए, प्लांट का स्ट्रक्चर दोस्तों काफ़ी अच्छा है। ये कागजी लेमन है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा होता है, वैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी इजी टू ग्रो है। और टेरेस गार्डन के लिए आप अगर कंटेनर में लेमन ग्रो करना चाहते हो तो ये आप कोई भी लेमन ले सकते हो, डॉर्फ लेमन ले सकते हो, या फिर कागजी लेमन जो ये आप हमारा आता है ये वाला लेमन है, या फिर और भी बहुत सारे लेमन आते हैं, तो कोई भी लेमन ग्रो कर लो कंटेनर में, इजीली ग्रो हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इसके साथ डिफिकल्टी नहीं होती है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये। तो आपने इसका ओवरव्यू देख लिया दोस्तों, तो ये प्लास्टर जो लगा हुआ है यहाँ से जो इस एक मिनट इस तरफ का पोर्शन खाली नज़र आ रहा है, तो मैं बैंड कर रहा था इस ब्रांच को, तो वहाँ से थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, तो मैंने इसे प्लास्टर किया है एंड कुछ दिन बाद रिमूव करूँगा, उसे रिमूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये ब्रांच चल रही है एंड इस पर एक फ्रूट भी लगा हुआ है दोस्तों, तो आई एम हैप्पी। एंड ऑलरेडी यहाँ पे जूम फोकस नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्रूटिंग्स और भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट है, तो ब्रांच अच्छी चल रही है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं। तो बात करता हूँ दोस्तों कि जब इसमें फ्लावरिंग आई थी तो मैंने इसमें क्या किया था। सबसे पहला काम जो मैंने किया था दोस्तों कि मैं इसको दो तीन हर दूसरे दिन इस पर मैं वाटरिंग कर देता था, तो वो मैंने बंद कर दिया तीन से चार दिन। अब ठंड का सीज़न आ गया तो पाँच छः दिन मैं इसमें वाटरिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि कंटेनर में दोस्तों क्यों तो ज़्यादा एक डेढ़ महीने के लिए नहीं छोड़ सकते कंटेनर में, इतने पानी की ज़रूरत पड़ती है, इतना मॉइस्चर होल्ड करके कंटेनर नहीं रख सकता। तो इस वजह से पाँच छः दिन पे एक बार वाटरिंग कीजिए, वो भी हाफ मग आपके पास कुछ एक नापने का कुछ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाफ मग आप मतलब कंटेनर के हिसाब से दे सकते हो कि आपके कंटेनर कितना बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग मत कीजिए। ऊपर का सरफेस मतलब तीन चार इंच तक अंदर डेप्थ तक पानी इजीली चला जाए, उसके बाद ये मॉइस्चर अपने आप धीरे धीरे मिट्टी जो है सक करती रहती है, तो ये पूरी रूट्स को मॉइस्चर इसके मिल जाएगा। तो कम वाटरिंग कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर चार पाँच दिन पे कर भी रहे हो तो आप उसमें भी फुल वाटरिंग मत कीजिए, कम वाटरिंग कीजिए, ठीक है। और दूसरा जो इसकी येलो हो चुकी लीव्स हैं वो उसको रिमूव कर दीजिए और मिट्टी की बराबर गुड़ाई करती रहिए, और तो पॉट की मिट्टी गुड़ाई करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप अगर हफ्ते में एक बार कर दोगे ना तो जो प्लांट के रूट्स को जो ऑक्सीजन मिलनी होती है वो उसे 10 to 15 days तक कंटेन करके रख सकता है प्लांट, उसको ऑक्सीजन को उसे काम चलाता है। बट आप हफ्ते हफ्ते करते रहोगे तो न्यू ऑक्सीजन उसको मिलती रहेगी,
तो उसको ज़्यादा सर्वाइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, वो इजी ग्रो होगा। तो मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है और उससे मिट्टी सॉफ्ट भी होती है। एंड वर्मी कम्पोस्ट आपके पास है तो, क्योंकि इसके फाइबर रूट्स बहुत ऊपर तक रहती हैं, तो आप हल्की सी 1 इंच तक गुड़ाई करके उसमें वर्मी कम्पोस्ट ऐड कर दीजिएगा, तो उसको बहुत जल्दी न्यूट्रिशन इसको मिल जाएगा। क्योंकि लेमन जो सिट्रस प्लांट होते हैं, जितने सिट्रस फैमिलीज के प्लांट होते हैं, लेमन उसमें आता है, तो उसमें जो है फाइबर रूट्स सबसे ज़्यादा होती हैं, इसीलिए बहुत हार्डी प्लांट है, इतनी जल्दी मरता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी के मतलब कोने कोने तक इसकी रूट्स फैली होती हैं। तो आप इसमें DAP भी ऐड कर सकते हो मंथली, फ़िलहाल मैंने NPK इसमें ऐड कर बंद कर दिया है। इसमें लास्ट टाइम मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था एंड आफ्टर 10 डेज मैंने इसमें DAP डाला था, तो फ़िलहाल अभी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ उसके बाद से मैंने कोई इसमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है दोस्तों। लेमन यहाँ पे दोस्तों देखो कितना प्यारा सा छुपा हुआ है, तो ऑलमोस्ट इस पर दोस्तों छोटे बड़े सारे मिला के 60 to 70 लेमन लगे हुए हैं, जिसमें से आई थिंक अगर 10-15 भी टिक गए तो प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगेगा। हमें इससे प्रोडक्शन नहीं चाहिए दोस्तों, कि घर का काम के लिए चाहिए, तो एक तो शौक होता है देखो गार्डनिंग का, कि फ्रूट प्लांट्स जो हों उस पर फ्रूट लगे हों अच्छे लगते हैं, तो प्रोडक्शन नहीं चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो हम उसको कंज्यूम करें, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। बस इस पर 10-15 फ्रूट लगे हों, येलो हों और जैसे लेमन कलर लेमनी कलर होता है वैसे हो जाए, तो हमारे पास एक छोटा सा फ्रूट प्लांट हो लेमन का जिसे फ्रूट लगे हों, तो गार्डन हमारा और अच्छा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से मेरे अदर सिट्रस प्लांट है उसमें भी स्टेज बाय स्टेज फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होती रही है, तो उसकी वीडियो मैं सेपरेट बना चुका हूँ, इसके साथ भी दिखाया मैंने आपको, अभी उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा दूंगा आपको। तो मैं एक्चुअली दोस्तों 2 बार मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ा दिल्ली से, इस वजह से तो मैं थोड़ा गार्डनिंग पे ध्यान नहीं दे पाया, किसी को बोल के गया था वाटरिंग करने के लिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है मेरी गार्डनिंग। अब मैं फिर से आ गया हूँ तो मैं सारी चीज़ें समेट रहा हूँ, इधर उधर मेरे टूल्स नहीं मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। वैसे भी अब फ्लावर विंटर सीज़न आ रहा है, इसमें बाहर फ्लावर्स जो रोज़ का टाइम आ रहा है, तो उसमें भी मुझे रोज़ फूड डालना है दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो होप यू एंजॉय द वीडियो दोस्तों, आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, मेरा प्लांट पसंद आया होगा। हाँ, बहुत लोगों को मेरा ये प्लांट बहुत पसंद आता है दोस्तों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बॉटम से ही बहुत ही प्यारा है, इसलिए लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। जब मैंने इसको आई थिंक 1.5 साल पहले लिया था तो 150 का अराउंड, तो अब मैं नर्सरी पे जाता हूँ लेमन प्लांट इस साइज़ का लेने, तो मुझे तो 800 to 1100 वीडियो कहाँ पहुँच होगी पता नहीं दोस्त, तो इसकी वीडियो टाइम टू टाइम मैं बनाता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ये इसकी वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए देखो, और उसमें लिस्ट में देखिए, इसमें आई थिंक इसकी 5 से 7 वीडियोज़ होंगी जो मैंने सिर्फ इसी प्लांट के ऊपर बनाई हैं, तो आप देख सकते हो कि शुरू से इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे ये ग्रो किया है। तो होप यू दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने पौधों का ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो दोस्तों, कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, मुझे आप कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, आप मुझे सजेशन दीजिए, अगर कुछ पूछना है तो दोस्तों पूछ लीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द दोस्तों, तब तक के लिए अपने और अपने पौधों का ध्यान रखिए। और एक बात दोस्तों, आपको अपना जो उजड़ा हुआ है फ़िलहाल गार्डन मेरा, आपको उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ दोस्तों। ये मेरा अनार के प्लांट है एंड तो हालत फ़िलहाल इसकी ख़राब है दोस्तों, जब मैं इसको ठीक कर लूँगा तो एक बार ओवरव्यू बनाऊँगा, इसलिए सबसे पहले मैंने ओवरव्यू नहीं बनाया, ओवरव्यू बनाने से पहले मैंने इस प्लांट की वीडियो बनाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।